दुकान का जो ये ब्रिज है ना, ब्रिज के नीचे पूरा एकदम एक लोहे के रोड पर टिका हुआ है यार ये लालटे वाली रोड। तो भाई देखो ये है पार्किंग और यहाँ नीचे है कैफे। अब उसके वाले के बगल में। A few moments later. So, hello दोस्तों, स्वागत है आप सभी का देवभूमि उत्तराखंड की इन खूबसूरत वादियों से। और मैं हूँ अभी मसूरी में, और स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में अतीश विश ब्लॉग्स पे। तो अभी हम हैं अपने घर से थोड़ी 10 मीटर की दूरी पे, और अभी जा रहे हैं हम चार दुकान की तरफ। तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा, और वीडियो को लाइक जरूर करें, और शेयर तो आप लोग अपनी मर्जी से करें, पर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उसके साथ स्कैम करो या फिर महफिल जमाओ, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। तो अभी हम चल रहे हैं, और पिछला यहाँ पे पिछला जो पाला है बर्फ का वो ही नहीं पिघला है। ये देखो थोड़ी बहुत तो रह चुकी है, इधर इधर धूप आ रही है तो इधर पिघल रही है। तो ये देखो ये खतरनाक है, इस पर खतरनाक स्लिप मारता है ना आदमी। ये देखो तो भाई अभी हम चल रहे हैं चार दुकान की तरफ, और यहाँ देखो ये झाड़ियाँ हैं जितने भी बिच्छू कंडाली, तो ये सब नष्ट हो चुकी है बर्फ से। और यहाँ से ऊपर का व्यू देखो तो भाई ये इसके पीछे है अपना घर। तो अभी हम नीचे को आ रहे हैं और यहाँ से चल रहे हैं हम चार दुकान की तरफ। चार दुकान भी भाई काफ़ी मस्त इंटरेस्टिंग जगह है, अगर आप घूमने आना चाहते हैं तो आ सकते हैं। और अब बर्फ़ पड़ने के बाद तो काफ़ी सुंदर हो चुका है। तो यहाँ पे है चार दुकान, वैसे मैंने पिछले व्लॉग में भी दिखाया पर स्पेशली आपके बार इस वीडियो में दिखा रहा हूँ। तो अभी हम ये सीढ़ी सीढ़ियाँ पड़ती हैं, यहाँ से करीबन 250-300 सीढ़ी है, करीबन 250-300 सीढ़ी है यहाँ से नीचे जाने के लिए चार दुकान। फिर प्लेन भी है कहीं कहीं, जैसे मान लो कि एक सीढ़ी है फिर थोड़ा चला फिर। तो भाई अभी हम जा रहे हैं, और जो हमारी पिछली वीडियो है, काफ़ी वीडियो है स्नोफॉल की और 2-3 व्लॉग अलग है, उसमें प्यार दिखाने के लिए धन्यवाद। और अगर आपने वो नहीं देखी तो आई बटन पर लिंक आ रहा होगा, या तो आप चैनल पर जाके चेक कर सकते हैं। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। अभी और नीचे आ गए हम, एक स्नोफॉल वाली वीडियो बनाई थी तो यहाँ पूरा सफ़ेद हो रखा था, देखा होगा आपने स्नोफॉल लाल टिबा वाली। यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं है, 5 मिनट का रास्ता है पैदल। और ये देखो अब बिल्कुल भी झाड़ियाँ नहीं है जंगलों में, और सामने पे है चार दुकान। तो भाई यहाँ से आ रहे हैं ऊपर से इधर, और अब इधर से इधर चल रहे हैं, और ये सामने पे बारात हॉल है, और यहाँ पे चर्च है, और ये MI रूम है जैसे मैंने पिछली वीडियो में बताया। तो यहाँ से दिखाऊंगा मैं घर, यहाँ ऊपर ये जो वाइट वाला दिख रहा है ये है, और ये है देखो भाई यहाँ का, और यहाँ जनरेटर रूम है, और ये है चार दुकान की बैक, मतलब पीछे से जो उनके घर घूर है दुकान वालों के वो है, ऐसा सीन है भाई कुछ। और व्यू देखो आप, चार दुकान हेवन है भाई। और आप तक अगर चार दुकान नहीं आए तो जल्दी से विज़िट करें चार दुकान लालटीबा, ये तो बस घर से 10 मिनट की दूरी पर है, चार दुकान 5 मिनट की दूरी पर है। और अभी हम बहुत ऊपर से आ रहे हैं, काफ़ी देर हो गई हमें आते आते, भाई लाइक तो कर दो जल्दी से। तो भाई देखो ये है चार दुकान की पार्किंग, और हम यहाँ से आ रहे हैं। देखो सुमित भाई का फ़ोन लगा यार तू। तो देखो नया कैफ़े खुला है, पहले कैफ़े आई वी आया था, पता नहीं कुछ अलग है। और ये चार दुकान की पार्किंग है, और ये लालटे वाली रोड जा रही है, और ये है यहाँ से हमारे साइड से फर्स्ट दुकान। तो यहाँ से भी अभी काफ़ी जाना है यार। तो भाई देखो ये है पार्किंग, और यहाँ नीचे है कैफ़े, तो यहाँ भी जाएं, काफ़ी महंगा है पर यहाँ। और ये है चार दुकान मेन, और ये पार्किंग, और ये जा रही है लालटे वाली रोड। चार दुकान का जो ब्रिज है ना, ब्रिज के नीचे पूरा एकदम एक लोहे के रोड पर टिका हुआ है, और नीचे तक है जो कैफ़े दिखा रहा था मैं आपको। और ये थोड़ी ऐसा एरिया है ख़तरनाक, ये जा रही है लालटे वाली रोड, और ये है अपना चार दुकान। तो भाई ज़रूर आए यहाँ। तो ये है भाई चार दुकान का ब्रिज, ये जो जितना दिख रहा है वो देखो भाई, सामने हमारे एक और बंदे आ गए हैं सुमित भाई।
भाई ये है सुधीर चौधरी, ये इधर है लेफ्ट में, ये उसके वाले के बगल में। कौन सा है? अरे चश्मे में खड़ा है। हाँ भाई चार दुकान यहाँ से खत्म, यहाँ से नीचे, और ये है चार दुकान। तो भाई दिखा दिया मैंने आपको चार दुकान, तो वीडियो यहीं पे क्लोज करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, टिल देन स्टे सेफ एंड गुड बाय।